बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे स्पेक्ट्रम। कि एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या है? एक्सरे स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सरे को, उसके बाद हम इसके एक्सरे के स्पेक्ट्रम की तरफ आएंगे कि एक्सरे का स्पेक्ट्रम क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक्सरे की बात करते हैं कि एक्सरे क्या है, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे को डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे को, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरे स्पेक्ट्रम, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे और एक्सरे। एक्सरे को हम ये लिखते हैं कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं एक्सरेज को, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द रेंज ऑफ 10^-9 meter टू 10^-10 meter और आर्मस्ट्रांग हम ये कह सकते हैं कि एक्सरेज हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी जिनकी में वेवलेंथ जो होगी उसकी रेंज, वेवलेंथ की रेंज 10^-9 meter से लेकर 10^-10 meter तक होगी। तो ऐसी रेज होंगी, इनको एक्स रेज कहा जाता है। एक्स रेज होती है, तो एक्स रेज की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट होगी तो इसे कहा जाता है सॉफ्ट एक्स रेज, एंड सेकंड वन हार्ड एक्सरेज। सबसे पहले हम सॉफ्ट एक्सरेज की बात करते हैं। सॉफ्ट एक्सरेज ऐसी एक्सरेज जिसकी वेवलेंथ जो होगी तो लॉन्गर वेवलेंथ, और हार्ड एक्सरेज शॉर्टर वेवलेंथ। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे एक्सरेज को, सॉफ्ट एक्सरेज, एक्सरेज ऑफ कंपेरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ आर नोन एज सॉफ्ट एक्सरेज, एंड द एक्सरेज ऑफ कंपेरेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ नोन एज हार्ड एक्सरेज। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी आपस में हम देखें तो फ्रीक्वेंसी से भी हम सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि ये जो एक्सरेज है, लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, ये तो बाद की बात में है। पहले सॉफ्ट हार्ड को हमने डिफाइन किया, एक्सरेज को डिफाइन किया, ये देखते हैं कि एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे हो रही है। तो यहां पर हम डिफाइन करेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के, एक्सरेज को प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज को। यहां पर ये जो डायग्राम नजर आ रही है तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट हमने यूज किए हैं। दो वोल्टेज सोर्सेज यूज किए हैं, एक को नाम दिया है S1 और दूसरा S2। S1 जो कि फिक्स्ड है और S2 वेरिएबल, इसको इस वजह से ऐसे रिप्रेजेंट किया कि S2 वेरिएबल है, इसको हम इंक्रीज, इसका वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। S1 सोर्स जो है इसको कनेक्ट किए हुए फिलामेंट से, जिसको S से रिप्रेजेंट किए हुए फिलामेंट, आप बल्ब कोई भी ले लें तो फिलामेंट से कनेक्ट किए हुए। फिलामेंट के सामने यहां पर एक टारगेट मटेरियल, ये टारगेट है, ये टारगेट मटेरियल प्लेस किए हुए हैं। फिलामेंट और टारगेट मटेरियल दोनों को एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में प्लेस किए हुए, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज मीन कि S2
अभी ऑफ कंडीशंस में हो, ऑन ना हो, S1 को अगर ऑन करें तो S1 सोर्स जो है या बैटरी B1 तो किसके साथ, फिलामेंट F के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, क्या होगा यहां पर फिलामेंट F में से इलेक्ट्रॉन हीट अप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के हीट अप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बैटरी इसके फिलामेंट से इमिट हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल सरफेस से इमिट करने के दो मेथड हैं, एक को कहा जाता है ऑप्टिकल पंपिंग, और दूसरा बाय हीटिंग मींस प्रोवाइड एनर्जी थ्रू सोर्स S1 S2। ऑप्टिकल पंपिंग क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर हम क्या करते थे, फोटॉन्स को फॉल किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फोटॉन हम लेंगे, फोटॉन्स को फॉल किया, अगर फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है तो यहां से क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो ये वाला प्रोसेस जो होता है तो इसे ऑप्टिकल पंपिंग कहा जाता है। बाय हीटिंग, तो यहां पर ये वाला जो हम यूज कर रहे हैं इस केस में, प्रोडक्शंस ऑफ एक्स रेज के केस में, तो हीटिंग यूज कर रहे हैं, फिलामेंट को हीट करेंगे, हीट करने की वजह से क्या होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। देखें यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्रोडक्शंस ऑफ एक्स रेज ये दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। इसमें क्या कर रहे थे हम, फोटॉन्स को फॉल कर रहे थे, ये फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट इन द केस ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ एक्स रेज तो यहां पर फिनोमेना चेंज हो जाएगा। कैसे कि अब इस केस में हम ये करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन को फॉल करवा कर हम एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करवाएंगे। यहां पर मेथड जो हम यूज कर रहे हैं बाय हीटिंग, हीटिंग क्या है, जब हम सोर्स S1 जो है इसको कनेक्ट करेंगे फिलामेंट के साथ, फिलामेंट क्या है टंगस्टन, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब दूसरा जो है तो इसको जब हम टर्न ऑन करते हैं, ये S2 इसको ऑन कर लेते हैं, इसके पीछे एक प्लेट लगाई हुई है जिसको सी का नाम दिए हुए है, मींस कैथोड, और जो टारगेट मटेरियल है, टारगेट मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए हुए है, मींस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी, जो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट को लीव कर जाएंगे, फिलामेंट से इमिट होंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, अपनी एनर्जी, एनर्जी कहां से उठेंगी, सोर्स S1 से। इसके बाद हमने ये कहा कि इन इलेक्ट्रॉन को हमने पहुंचाना है टारगेट मटेरियल तक, तो इलेक्ट्रॉन को टारगेट मटेरियल तक पहुंचाने के लिए हम ये करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को यहां से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसके बैकवर्ड एक प्लेट रखेंगे जिसको हम देंगे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इस वजह से दे रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। ये देख लें कि इलेक्ट्रॉन यहां से फिलामेंट, ये फिलामेंट था, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ नेगेटिव चार्ज। यहां पर एक प्लेट सी रखिए, तो इसको अगर हम पॉजिटिव चार्ज दें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा, इस वजह से इसको हम जो सी प्लेट है तो इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पुश हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली टारगेट मटेरियल की सरफेस तक रीच कर जाएंगे। अब टारगेट मटेरियल जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच रहा है तो टारगेट मटेरियल को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है,
तो ये अब इस केस में नेगेटिव फील्ड थी और इस केस में पॉजिटिव फील्ड थी, तो ये पॉजिटिव फील्ड क्या करेगी कि इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं, तो पुश होने की वजह से ज्यादा एक्सेलरेट, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएंगे तो ये टारगेट मटेरियल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब ये टारगेट मटेरियल इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो हम ये देखेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड होंगे या इसके नजदीक आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और ये कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर देखा जाए तो टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। हम यहां पर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाएंगे, टारगेट मटेरियल तक रीच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होंगे। स्लो डाउन कैसे होंगे, ये देखें काइनेटिक एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². मैस तो रिड्यूस नहीं हो रहा कि थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन का मैस सेम रहेगा, 1/2 तो ये कांस्टेंट आ रहा है, तो लाजमी क्या है कि इसकी वेलोसिटी यहां पर हम क्या करेंगे रिड्यूस। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है तो वेलोसिटी रिड्यूस होने के साथ साथ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस होगी। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होगी ये कंजर्व्ड रहेगी, और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी क्या कर ट्रांसफर किया जा सकता है। अब यहां पर देखें इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हुए, इलेक्ट्रॉन के स्लो डाउन होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब जो रिमेनिंग एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, जितनी एनर्जी रिड्यूस हुई है जो रिमेनिंग, तो हम ये कहेंगे कि वो एनर्जी इसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन जो होगे तो एक्स रे रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एमिट कर देगा। अब यहां पर वो एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में इमिट हो जाएगी, जिसे हम ये बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होंगी इनकी वेवलेंथ 10^-9 से 10^-10 मीटर होगी, तो फिर इनको एक्स रेज कहा जाता है। अब देखने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल करवाया मेटल सर्फेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गया, इमिट हो गया। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाया और इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने से क्या हुआ, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोड्यूस किए, ये प्रोसेस जो होते हैं तो इसे प्रोडक्शंस ऑफ एक्सरेज कहा जाता है। अब इसमें देखें कि काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है कि यहां पर जितना ज्यादा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो सोर्स S2 लगाए हुए वोल्टेज सोर्स जो है S2 है, तो इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी, जितना हम ज्यादा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई करें तो उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब यहां पर हमने वोल्टेज लगाए हुए तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V0E। अब यही जो काइनेटिक एनर्जी है तो यही एनर्जी क्या हो रही है, फोटॉन में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो हम ये लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, HF के इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF। तो HF क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, इसको इक्वेशंस 1 और इसको इक्वेशंस 2 का, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, HF इज इक्वल टू V0E। इक्वेशन 3 यहां पर हमें क्या बता रही है, अब ये जो एक्स रेस प्रोड्यूस हो रही हैं यहां पर, ये इन एक्स रेस की इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है
कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल को हिट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच स्ट्राइक द टारगेट मटेरियल। और क्वालिटी ऑफ एक्स रेज अगर चेक करना चाहें तो क्वालिटी ऑफ एक्स रेज डिपेंड करेगी जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है हमारे पास यहां पर S2, तो S2 के ऊपर डिपेंड कर रही है, और इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज यहां पर डिपेंड कर रही है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन बीम इस टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। अब ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो इनकी हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेस, फर्स्ट वन, एक्स रेस यहां पर जो प्रोड्यूस हुई हैं, तो ये एक्स रेस इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इसी तरीके से जो फोटॉन्स यहां पर जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहां पर जो जनरेट हुई हैं, तो इन एक्सरेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो एक्सरेज और न्यूट्रल रेडिएशंस, अब ये देखें यहां पर एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके यहां पर एक सोर्स पड़े हुए जिसमें अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशंस, ये सोर्सेज है इसका। अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बीटा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और गैमा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। यहां से ये देखा गया इन रेड्स को रेडिएशन को जब अलाउड किया जाए इसमें से, तो कुछ रेडिएशन जो थी तो इधर हाईली डिफ्लेक्ट हो गई थी और कुछ यहां से डिफ्लेक्ट हुई है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, और कुछ रेडिएशन ऐसी थी कि जो कि डिविएट होने के बगैर बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गई है। अब वो रेडिएशन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, मीन्स अल्फा की बात करते हैं, डबल पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा डिफ्लेक्ट, और यहां पर ये ज्यादा, तो ये इस वजह से क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बीटा तो बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये भी यहां से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन गेमा को देखा जाए तो गेमा क्या है, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहां से क्या होगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी, ना ही अपने पास से ये डेविएट होंगी। तो इसी तरीके से एक्स रेज जो कि प्रोड्यूस हुई है, तो एक्स रेज आर न्यूट्रल रेडिएशंस। अब इन एक्स रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जो है, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, अगर कि यहां पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कि चाहे हम मैग्नेट यहां पर प्लेस कर लें, तो एक्स रेज जो होंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी। एक्स रेज आर नॉट बी डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी ये एक्स रेज डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मैस, प्रोटॉन प्रोटॉन का मैस, दोनों मूव करेंगे, दोनों मूव कर सकते हैं, हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तक ये अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस हुई, तो एक्स रेज ये प्रोड्यूस कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तो एक्स रेज कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। एक्स रेज जो प्रोड्यूस हुई है, इनकी वेवलेंथ शुरू में ये कहा था कि जिनकी वेवलेंथ इक्वल होगी 10^-9 से लेकर 10^-10 मीटर तक, तो इनकी वेवलेंथ बहुत कम है। जब इनकी वेवलेंथ बहुत कम होगी तो एक्स रेज की पेनिट्रेटिंग पावर को अगर देखा जाए, तो एक्स रेज की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होगी।
अगर इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है, पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी तो आयोनाइजेशन पावर एक्सरेज रेडिएशन जो होगी तो एक्सरेज रेडिएशन की आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होगी। रीजन यही है कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है तो आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होगी। अब एक्सरेज की प्रॉपर्टीज ये भी है कि अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर, ये कोई भी मेटल सरफेस है, इनके ऊपर एक्सरेज को यहां पर बम्बार्ड किया जाए तो इस मेटल सरफेस से क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकती है। तो एक्सरेज की प्रॉपर्टीज ये है कि ये किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकती है। एक्सरेज को फॉल करवाया जाए अगर किसी स्क्रीन के ऊपर, लेट्स सपोज ये हमारे पास स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की, तो इस स्क्रीन के ऊपर एक्सरेज को यहां से ये एक्सरेज को फॉल करवाया जाए तो ये एक्सरेज जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो है तो इसके ऊपर फ्लोरोसेंट क्या कर सकती है, फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस कर सकती है। एक्सरेज के लिए हमने ये कहा कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, तो इसी वजह से एक्सरेज लिविंग टिश्यूज जो होंगे ह्यूमन बॉडीज के लिए तो इसके लिए ये इनको डैमेज कर सकती है, इनके लिए हार्मफुल हो सकती है। एक्सरेज को डायफ्रैक्ट किया जा सकता है, तो एक्सरेज कैन बी डायफ्रैक्टेड बाय अ क्रिस्टल एंड इट्स कैन बी इफेक्ट ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, अगर ये फोटोग्राफिक प्लेट है तो इसके ऊपर भी क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। यूजेज ऑफ एक्सरेज की बात करें तो इनको लैब में यूज किया जाता है, डिफरेंट इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। इसी तरीके से ऑप्टिक्स में एक्सरेज को यूज किया जाता है, फिजिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्सरेज जो हैं तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। अब यहां पर एक्सरेज की हमने बात की कि एक्सरेज को प्रोड्यूस किया, ये जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुए तो इनकी वेवलेंथ को देखा जाए तो इसकी सेवरल वेवलेंथ होगी, नंबर ऑफ वेवलेंथ होगी। जब इसकी नंबर ऑफ वेवलेंथ है तो इसको जब हम एनालाइज करेंगे तो कंपोनेंट में इसको एनालाइज करेंगे, वेवलेंथ को कंपोनेंट में एनालाइज करेंगे तो इससे हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहा जाएगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरे को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। तो इन दोनों स्पेक्ट्रम को या स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।